सो गाइज, आज मैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच में वर्सेस बैटल कराने जा रहा हूँ जो है तो डिफरेंट यूनिवर्सेस के, बट यस, फ्लेम से उनका काफी गहरा रिश्ता है। दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं एंड दोनों जब अपने ट्रू फॉर्म में आते हैं तब तो उनको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सो यस, हम लोग बात कर रहे हैं थॉर रैग्नारोक मूवी में दिखाए गए सर्टर की एंड उसका अपोनेंट होगा हेलबॉय। सो कौन जीतेगा इन दोनों पावरफुल मॉन्स्टर्स के बीच, सो इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स की स्ट्रीम्स करता हूँ और हम लोग उस सर्वर पे जल्द ही गिवअवेज भी करने वाले हैं, तो जाइए हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड यस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसको दबा देना है, बगल में बेल आइकन भी होगा उस पर भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो अब गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्टर की। सो सर्टर की फर्स्ट अपीयरेंस हमने देखी थी थॉर रैग्नारोक मूवी में एंड मूवी में हमने ये देखा था कि कैसे सर्टर ने एस्गार्ड पर रैग्नारोक लाया था और एस्गार्ड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इटर्नल फ्लेम्स की पावर्स के साथ सर्टर इतना पावरफुल हो गया था कि उसको तो हेला भी नहीं रोक पा रही थी, वही हेला जिसने थॉर की बैंड बजाई थी। सो आप तो खुद ही सोच सकते हैं कि सर्टर कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है। सो अगर हम लोग सर्टर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज को देखें तो उसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी फायर डीमन फिजियोलॉजी। सर्टर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स इन द कॉस्मोस। अपने सबसे ज्यादा वीक स्टेज में भी उसने थॉर को कैप्चर कर लिया था और जब वो दोबारा से रिजरेक्ट हुआ इटर्नल फ्लेम के साथ तब तो उसको रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया था। उसने पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो अगर हम लोग सबसे पहली एबिलिटी की बात करें जो कि सर्टर में थी, वो है उसकी फायर मैनिपुलेशन। अब क्योंकि वो एक फायर डीमन है इसलिए सर्टर जनरेट कर सकता है मैसिव वेव्स ऑफ फायरी एनर्जी विथ हिज ट्वाइलाइट स्वॉर्ड, और उसकी ये जो फायर है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक ही बार में कंज्यूम कर सकती है पूरे के पूरे एस्गार्ड को। दूसरी एबिलिटी जो कि सर्टर में आती है वो है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सर्टर अपने सबसे ज्यादा वीक स्टेज में भी इतना स्ट्रांग था कि वो थॉर को चैलेंज कर सके, और जब थॉर रैग्नारोक के एंड में सर्टर इटर्नल फ्लेम से रिजरेक्ट हुआ तब तो सर्टर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसने हल्क को एक मक्खी की तरह फेंक दिया। सर्टर को उस स्टेज में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है सिवाय ओडिन के। अब जो दूसरी एबिलिटी आती है सर्टर में वो है उसकी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। सर्टर एक बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बीइंग है, इसका एग्जांपल भी हमने थॉर रैग्नारोक के एंड में देखा था कि कैसे हेला ने उस पे ह्यूज नेक्रो ब्लेड्स का अटैक किया था बट फिर भी सर्टर को कुछ नहीं हुआ था। हल्क ने भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लो दिया था सर्टर को मगर फिर भी सर्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। एंड इन सारी चीजों के अलावा सर्टर एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन भी है, वो अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छे स्किल्स शोकेस कर सकता है। एंड मैं आपको बता दूं उसकी जो ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, वो पूरी कंपोज्ड और चार्ज्ड रहती है फायर से, और उसी स्वॉर्ड के साथ सर्टर ने पूरे एस्गार्ड को तबाह किया था। सो यस गाइस, तो हमने बात कर ली सर्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर हेलबॉय के बारे में। अब हेलबॉय की जितनी भी पावर्स एंड एबिलिटीज उसको मिलती है वो उसको मिलती है उसकी डिमोनिक हेरिटेज की वजह से, क्योंकि हेलबॉय हेल का प्रिंस है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है, तो इसीलिए वो कैरी करता है बहुत सारे टाइप की पावर्स एंड एबिलिटीज जिसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हेलबॉय पजेस करता है वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वो एटलीस्ट 400 टू 500 पाउंड्स को अपने हैंड से लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। अब हालांकि वो एक स्पीडस्टर नहीं है लेकिन फिर भी वो इतना फास्ट है कि वो अपने से डबल साइज के क्रिएचर्स को पीछे कर देगा रेस में। एंड उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं। उसके रिफ्लेक्सेस किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट हैं। वो काफी जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी टाइप के अटैक से, और वो काफी ज्यादा एजाइल भी है। उसका बॉडी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा है, वो हाईली ड्यूरेबल है। हमने मूवीज में भी देखा है कि उसको कितने ज्यादा सीवियर वुंड्स लगे हैं मगर फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है। उसकी चेस्ट में स्वॉर्ड घुस जाती है, वो ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर जाता है, वो ऐसी ऐसी इंजरीज को सर्वाइव कर चुका है जिससे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तो जान ही चली जाए। एंड उसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा हाई है, उसकी बॉडी जल्दी फटिक टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है जिसके कारण वो एक फाइट में काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। उसके पास इनहेंस्ड साइट भी है यानी कि वो डार्कनेस में भी बहुत आराम से देख सकता है, और उसके पास एक्सेलरेटेड हीलिंग भी है। उसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा फास्ट है जिसके कारण वो किसी भी टाइप के वुंड से काफी जल्दी हील हो जाता है। वो एज नहीं करता यानी कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो थर्मल रेजिस्टेंट भी है यानी कि उसके ऊपर फायर का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है हेलबॉय के पास वो है उसका डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस फॉर्म में आ जाने के बाद हेलबॉय ट्रूली इमोर्टल
इमॉर्टल बीइंग बन जाता है और उसके पास कुछ न्यू और बहुत ही ज्यादा कूल एबिलिटीज आ जाती है। उसके सिर पे बड़े बड़े हॉर्न्स आ जाते हैं, उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है और उसकी जितनी भी पावर्स उसकी नॉर्मल फॉर्म में थी वो इस फॉर्म में आ जाने के बाद काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो इस फॉर्म में अपना शेप भी शिफ्ट कर सकता है, हेल फायर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, हेल के क्रिएचर्स को कमांड कर सकता है, हेल की पूरी आर्मी को क्रिएट कर सकता है। उसके पास फ्लाइट यानी कि उड़ने की एबिलिटीज भी आ जाती है। सो यस, इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हेलबॉय अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा उसके पास एक स्वॉर्ड भी है एक्सकैलिबर नाम की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। एंड यस, वो एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट भी है। सो हेलबॉय के पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या हेलबॉय सर्टर को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बींग्स काफी ज्यादा सिमिलैरिटी को पजेस करते हैं। फिर चाहे हम लोग बात करें इनके फायर को मैनिपुलेट करने की पावर्स की, या फिर हम लोग बात करें कि इन दोनों के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इन दोनों में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो यहाँ पे हेलबॉय के नॉर्मल फॉर्म में तो सर्टर हेलबॉय को डेफिनेटली डिफीट कर देगा, क्योंकि सर्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है और हमने देखा था कि उसने तो पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। तो हेलबॉय क्या चीज है? लेकिन यस, अगर हेलबॉय अपने डिमोनिक फॉर्म में आ गया तब तो जैसे कि मैंने बताया है वो अपना साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है अपने विल के साथ। पूरी डीमन की आर्मी को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है एंड पूरी तरीके से फायर प्रूफ और फायर को भी मैनिपुलेट करता है। सो यस, उस फॉर्म में आ जाने के बाद हेलबॉय शायद डिफीट कर पाए सर्टर को, लेकिन फिर भी मुझे तभी भी सर्टर के चांसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं। लेकिन गाइस, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से सर्टर और हेलबॉय में कौन जीतेगा। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। सो यस गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों पावरफुल बींग्स की बैटल में कौन जीतेगा। एंड गाइस, मुझे अपना ओपिनियन भी दे दीजिएगा। एंड गाइस, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।